ये वो नेताजी हैं दिनेश शर्मा जी, जिन्होंने ट्वीट किया था शिक्षक संघ के, और इन्होंने ही अभी चंद दिन पहले एक ट्वीट किया था शिक्षा मित्रों को, शिक्षकों की गिनती से अलग किया जाए। अब आप अंदाज लगाइए क्या होगा इन धरनों का, क्या हश्र होगा इन धरनों का। मुझे कोई खास चीजें कहने की जरूरत बची नहीं है, नेताजी भाषण दे रहे हैं, बगल में बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव सुरेंद्रनाथ तिवारी खड़े हैं, पुलिस बल खड़ा है, शिक्षा मित्र का भला हो रहा है। आप सोच लीजिए, ऐसे लोग जब शिक्षा मित्र का भला कराने पर उतर आए, तो शिक्षा मित्र का भला होगा नुकसान होगा शिक्षा मित्र को समझना चाहिए। थोड़ी देर में ये लेटर वो खुद शेयर कर देते हैं। मैं एक एक चीज आपके समक्ष इसलिए रख रहा हूं कि सब चीजें भरोसे के साथ होती हैं। मैं एक बार अपने दर्शकों की डिमांड पर कॉल कर लेता हूं, किसका फोन लगता है? प्रवीण जी, धरना खत्म हो चुका है, फोन स्विच ऑफ है ज्यादातर लोगों के, और इस पर भी अगर कोई और शिक्षा मित्र जुड़ना चाहता है तो निश्चित रूप से ये धरना तभी गड़बड़ा गया था जब इस धरने को लेकर दो जगह की चर्चा शुरू हो चुकी थी, दो जगह की बातचीत शुरू हो गई थी। और धीरे धीरे धरना शाम होते होते पूरी तरीके से बिखर चुका था। इसलिए नहीं बिखर चुका था बड़े मैसेज आ रहे हैं, लोग लिख रहे हैं सर हमारी गलती क्या थी, हम लोगों का भविष्य अंधकारमय हो गया सर, शिक्षा मित्रों के नेताओं की वजह से किसी में भी दम नहीं है। मैं प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ का ब्लॉक अध्यक्ष भांबरकोल गाजीपुर से हूं, लेकिन दुखी मन से घर जा रहा हूं। आज ये धरना शिक्षा मित्र संगठन लगातार, शिक्षा मित्र पहुंच रहे हैं, मैं प्रयास करूंगा एक दो वीडियो अभी आपको दिखाने का, वहां किस तरीके से मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। मैं सीधा आपको अभी वहां मौजूद शिक्षा मित्र किस तरीके से संगठन के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं, मैं अभी आपको एक दो वीडियो आपके समक्ष रखता हूं। आप देखिए कि शिक्षा मित्रों में अब सरकार के साथ संगठनों के प्रति कितनी नाराजगी है। ये पोजीशन बड़ी विकराल हो गई है। अब आज की तारीख में हालात बड़े विपरीत हो गए। मैं सभी अपने दर्शकों से, सभी शिक्षा मित्रों से बस एक ही अनुरोध करूंगा आज एक बार फिर शिक्षा मित्र ठगा गया।